दोस्तों, ये मेरे PDF सीरीज का दूसरा वीडियो है और आज की वीडियो में मैं ऑल टाइप सिंगल फेज स्टार्टर के बारे में बात करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई सा भी सिंगल फेज का स्टार्टर होगा प्रॉपर तरीके से उसका वायरिंग करना सीख जाएंगे, चाहे वो आपका डबल कैपेसिटर से चलने वाला हो या फिर सिंगल कैपेसिटर से चलने वाला हो। आपका समर सेवल के स्टार्टर में आप सेलेक्टर स्विच, फ्लोट स्विच और टाइमर कैसे लगाते हैं वो भी आप आज का वीडियो देखने के बाद सीख जाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ PDF का ओवरव्यू। पिछली वीडियो में हमने 19 चैप्टर कवर कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम उससे आगे के चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे कि 20 नंबर चैप्टर से मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, क्योंकि 19 नंबर चैप्टर तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ 20 नंबर को मैंने हाईलाइट किया है, उसके बाद मैंने 25 नंबर तक रेड कलर से हाईलाइट किया है। तो टोटल इस PDF के अंदर आपको 6 स्टार्टर का वीडियो मिलेगा। सबसे पहले स्टार्टर की बात करें तो दोस्तों, हमारा ये सिंगल कैपेसिटर वाला स्टार्टर है। आपने देखा होगा कि किसी किसी स्टार्टर में सिर्फ रनिंग कैपेसिटर लगा होता है। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ऊपर से हमारा फेज आया हुआ है और ये MCB के थ्रू हमारा एम्पियर मीटर में चलाया गया है। एम्पियर मीटर हमारा सीरीज में लगा होता है। इसके नीचे मैंने एक बनवे स्विच दिखाया हुआ है। बनवे स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो सप्लाई हमारी मोटर की वाइंडिंग में चली जाती है। मोटर के अंदर 3 तार बाहर निकले होते हैं, एक रनिंग वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक बी। बी का मतलब यहाँ नीचे न्यूट्रल लगा हुआ है। और जो बाई वाला सिरा है और आर वाला सिरा है, यहाँ पर हमने कैपेसिटर कनेक्ट करके रखा हुआ है। जो वोल्ट मीटर है ये सीरीज में लगा होता है। इसका 3D व्यू में मैंने नीचे दिखाया है। सेम जो ऊपर मैंने सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया था वही स्टार्टर ये है। अगर आप इस ड्राइंग पर क्लिक करते हैं तो आप YouTube पर पहुंच जाएंगे और वहां से जाकर के भी आप प्रॉपर तरीके से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो को ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। आप नीचे आ जाएंगे तो यहां मैंने डबल कैपेसिटर वाला स्टार्टर दिखाया है, जहां रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगे होते हैं हमारे एक ही स्टार्टर में। इसका वीडियो देखने के लिए भी आप इस स्टार्टर पर क्लिक करेंगे और आप वीडियो देख पाएंगे मेरे YouTube चैनल के थ्रू, क्योंकि ये वाला वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। नीचे देखेंगे तो ये भी हमारा सिंगल फेज स्टार्टर है, जो MK1 टाइप स्टार्टर है। यहाँ भी हमारा 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक रनिंग और स्टार्टिंग। आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ एक सिंगल फेज मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है वो मैंने प्रॉपर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और इससे नीचे मैंने एक स्टार्टर दिखाया हुआ है, जो हमारे घरों में टंकी लगी होती है छत के ऊपर, उससे पानी ओवरफ्लो होने लगता है और हमें ध्यान नहीं रहता मोटर बंद करने का। तो उस स्टार्टर के अंदर आप एक टाइमर, फ्लोट स्विच लगा करके कंट्रोल कर सकते हो ऑटोमेटिकली, जिससे होगा क्या, आपका मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जब भी टंकी खाली होगी, और जैसे ही टंकी भरेगी तो मोटर आपका बंद कर देगा ये स्टार्टर। इस स्टार्टर को देखने के लिए भी इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।